हाई यू गाइज, दिस इज़ फ्यूचर खदीजा जंपिंग इन टू लेट यू नो कि ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, बाय थोड़ी सी आई मीन 6-ish महीने, क्योंकि मैं उस फेज़ में थी उस टाइम जब मैं फिल्म कर रही थी, एडिट कर रही थी, लेकिन यूट्यूब पे लगाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी बिकॉज ऑफ अपेरेंटली आई जस्ट थॉट एवरीबडी हेटेड मी. लेकिन नाउ दैट आई एम बैक एंड आई नो यू गाइज रियली एंजॉय माई वीडियो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस वन अप. एडिट हुई भी थी, पड़ी हुई थी और बहुत मजे की भी है, सो आई डिडंट वांट इट टू गो टू वेस्ट एंड दिस हैज वन ऑफ योर फेवरेट पीपल इन देयर. सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम खदीजा, इफ यू डिड नॉट नो दैट ऑलरेडी. और अगर मैं प्रोग्रेसिवली स्वेटी होती भी नजर आऊँ, दैट्स बिकॉज आई कैन नॉट कीप एनी फैंस ऑन. ये आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि मैं और रिदा डिस्कस कर रहे थे. रिदा बाय द वे मेरी कजन है, शी यूज टू फीचर इन अ लॉट ऑफ माई वीडियोज पहले, लेकिन अब उसकी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, सो शी इज़ नॉट एबल टू कम हियर एनी मोर एंड वी आर नॉट एबल टू मीट एज मच. और अब ऑब्वियसली कोरोना आ गया तो अब तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकते, तो इस तरह का सीन है. थैंक यू. तो हम लोग सोच रहे थे कि हम कोई साथ में बेकिंग वीडियो करेंगे, कि वो भी बेकिंग कर रही हो, मैं भी बेकिंग कर रही हूँ. फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैंने टेस्टी की वीडियो देखी थी, टेस्टी या बस फीड किसी एक की मैंने वीडियो देखी थी. पता नहीं बेक कर रहे थे या कुक कर रहे थे, पर वो एक ब्लाइंडली एक रेसिपी को फॉलो कर रहे थे. उन्हें पता नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं, बस उनको इन्ग्रीडियंट्स मिले थे एंड समवन वाज गाइडिंग देम, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने रिदा को बोला कि तुम मुझे कुछ भी ना बताओ, मैं इधर बैठ के रेसिपी रिक्रिएट करूंगी जो उसने पहले से बनाई हुई है. शी इज़ जस्ट गोइंग टू गाइड मी थ्रू. मुझे कुछ भी अभी तक नहीं पता. आई नो यहाँ से देख के आपको लग रहा होगा कि नहीं, इन्होंने फॉर श्योर बात की हुई होगी, बट मैं आपको पक्का दिखा दूंगी. सो अभी हम लोग सिर्फ लॉजिस्टिक्स फिगर आउट कर रहे हैं थोड़ी सी. इसने मुझे वॉइस नोट भेजा, सो लेट्स सी व्हाट शी इज सेइंग. बंद थी ना सही सभी. तो हमारे पास रिदा आ चुकी है. मैंने जेनेरिक सी चीजें यहाँ पे रखी हुई है. I've got some spoons and these things that we might need. So, what do we do first? Get the ingredients first. Okay, so you're going to need star. Wait. Listen, Linda. Yeah. Listen. Yeah. Send me a list so I can, you know, compile all the ingredients and we can regroup here. तो अब रिजा मुझे मेजरमेंट्स भेज रही है और उसके बाद मुझे अभी मिलेंगी वो. मैंने इससे पहले नहीं देखी हुई, मुझे रेसिपी नहीं पता, बट आई एम जस्ट गोना गेट द मेजरमेंट्स. सारी चीज़ें इकट्ठा करके मैं यहाँ आऊँगी एंड देन वी विल सी व्हाट वी आर डूइंग. नाउ व्हाट डू वी डू? सो आई हैव ऑल द स्टफ. व्हाट गोज फर्स्ट? बेसिकली यू नीड टू बोल्स, वन बिगर वन एंड वन लिटिल स्मॉलर. नाउ टेक द स्मॉलर बोल. ओके. एड योर 1/4 of a cup of milk to it. 1/4 of a cup of milk. Not sponsored by Olpers. Is it cold? Yeah, it's cold. Do you need to warm it? Yeah, you need it to be your body temperature. Like not too hot and not cold. Defrost karna hai. Okay, I'm gonna defrost it. Body temperature tay hai bhai ammi ji ke hisab se. Okay, perfect. Your yeast into it, 1 1/8 tablespoon of yeast. 1 whole tablespoon. Yeah. That's so much. And an eighth. Wait. I think. Let me check again. It's already gone. I think you didn't. Okay, it's fine. You didn't do that, though, no? Just fish some out, it's fine. So on the top, right, just fish like a little bit less than half of it out. Anyway, it's in there and it's being a little hecky, so I'm gonna leave it. And now what you're going to do is, you're going to take the bigger bowl, put your 1 cup flour in it. Are you sure it's 1 cup? Yes, 1 cup. अब मैं सारी measurements check करवाऊंगी. 2.5 tablespoons of sugar. 2.5 tablespoons. There's a lump in there.
lumpy boy. Lumpy big boy. मेकअप कर रही थी ना किधर की तो डब लगा मैंने तो ओके वन थैंक्स टू सिनेमन ओके नाउ ऐड योर नटमेग स्लैश सिनेमन व्हाटएवर यू वांट ऐड लेट्स ट्राई नटमेग ये तो स्पून ऑफ इट दैट वर्क्स व्हाट एल्स नाउ चेक योर मिक्स Yeah, it's getting foamed up, right? The egg is going in. I'm just putting the whole yolk, okay? Yeah, that's fine. Such a baby yolk. Oh no. Tiny yolk time. If we need more, we'll add the egg white. Yeah, okay. Just add some egg white, I think, because it's supposed to be half. Just add a little bit. Yeah, that's fine. It's fine. It's fine. Okay. Because the egg was really yeah, small itself good. Too. So, okay. So should I whisk it all together now? This yeah, yeast mixture. Yeah, just mix it. Just mix it and dry mix with your spatula. All right. So ये हमारा wet mixture है, ये dry mixture है, और हम इन दोनों को mix कर रहे हैं आपस में. Just giving this a whisk first to just break up all the sugar lumps that we had पहले से. It feels like less dry and more wet. I don't know what's happening here. Okay. Should I pour the whole thing in? Yeah, pour the whole thing in. Just mix it up. Is it like choux pastry or something? No, it's not. It's too dry. It's no. Pastry, right? No. It's dry. I mean, it's not completely dry, but it's not completely wet either. If you mix most of it in, yeah. Then now clean up your table and put some oil on it. Put a tablespoon of oil on it, mm-hmm. And put some oil on your hand and start kneading the dough. Look at this. Is this the right consistency? I think it's fine. I literally have no idea what this is going to turn into because this does not sound like but anything. No, I thought we were going to make. I thought we were going to make cinnamon rolls, but this ain't it, sweetie. Mm-hmm. Are these cinnamon rolls? No, these are not cinnamon rolls. No. You just need to dough for like 10-15 minutes. 10-15 minutes. Yeah, because you need it to be like really elastic and nice. Okay, 10 minutes. 10 is fine. This looks like it's going to make like two things for 2 minutes. No, it's going to rise a lot. Don't worry. Oh yeah, it's going to rise. I forgot it's going to rise. I'm not a huge fan of kneading. So do you want to like talk to the people, to the awam, telling them where you've been? Because some people are asking like, where is Ridha? Is she not your cousin anymore? So you know. Tell people where. Breakup ho gaya cousins ka. Yeah, cousins. Padda ho gaya. She didn't come to my nikah, guys. Still salty about it. Wasn't my fault. Okay, but like basically, I was just at uni. Yeah. I was very busy, and I even took like you know the Ridha Zen palette because I was like I'm going to create looks with it. And I'm but you don't get time at all in time. University, right? Yeah, literally no time. Like I just made that one post and then I was like okay goodbye. Has it been 10 minutes already? Please say yes. No, it's been like I think 5 or 4. What? Not 4. Getting progressively sweatier and sweatier as we speak. Nice. Natural glow highlight be like. One eternity later. Okay, should I keep it now? I'm done. I think you're done. I'm over it. Okay, now put it in and cover it with a plate or something. Why is it not letting me go? It should have enough space to like double inside.
Yeah, it has plenty space. See guys, in 2 hours, अब मैं इसको स्टोर करने लगी हूँ. This is what the size looks like right now. Just register this, everybody. Bye. 2 hours later. अब रिदा हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं क्योंकि मैंने फ़ोन में लगा लिया है और बहुत टेक्निकल सिचुएशन है. मैं मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको भी नहीं समझा सकती. बट है अब लोगों की तरफ हम लोग चलते हैं. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अभी तक लोगों को लग रहा होगा कि यार इसको तो पता ही चल गया होगा ना, मतलब लाइक यू नो दैट्स हाउ अनबिलीवेबल वीडियोज आर. पर मैं सारा टाइम ये सोच रही थी कि ये क्या हो सकता है और आई हैव कम टू द आई थिंक चुरोज होंगे. She just keeps saying there's no valid answer. I'm not going to tell you what it is. Okay, but we're so near the end. अच्छा तो आप लोगों ने देख लिया था कि कितना rise हो चुका है. You will know. So what's the next step? So now you flour your work surface. Not again. Decently flour it because you don't want it to stick at all. Half an inch thick, about half an inch. Should I coat it in flour first or no? Yeah. I don't know what half an inch is. So we're just going to I think we're there. Can you see it? You can't really see it. Okay, now you are going to go get a glass and a bottle cap. We're making donuts! Wow. Wait, is this glass big enough? Okay, put the glass as a ducker and don't press down, but just put it there, make a small nishan to see. Right, yeah, I think this would work. Yeah, I think they're going to be big boys, but that's okay. Yeah, I think they're perfect size, look. Can you see? Yeah, that looks good. It's pulling itself. Now you add half a cup of icing sugar. Okay, I can't find half a cup, so main 1/4 ke do use karungi. That's okay, right? That's the maths. 1 tablespoon. Yes. Done. Add maybe like a little bit, yeah. And that was my instinct too. Okay. So, for sure. So you need like a little bit of warm milk, like 1 or 1.5 tablespoons of warm. I don't want to do it. Just put it for 10 seconds. But I will have to put it in like a thing. Put it in the measuring cup. The thing is that everything is also cold, you know. That is a problem. Wait. Wait. The last one has gotten so what? Fat. What? The last one is so fat now, like it barely has a hole anymore. Look at it. Thick boy. It shouldn't be crude and liquid, you just make sure of that. It's like it more like a paste. Yeah, that's how it should be. I didn't put vanilla essence because it has like a peppery taste. I don't know why. Aggression. Okay, I think we're gonna leave this. Try one of the donut holes. Now the thing with this is it should bubble gently, but it shouldn't steam or create smoke. But there should be like little bubbles around. Okay, this is what it's looking like right now. Yeah, I think that's good. They're becoming so big.
Yeah, that's What the hell? Look at this. Can you guys see? Look at this big reveal. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I think it's a bit too high. Should I try one out? That's Look at it! It's so pretty! Look at this! They're so fluffy! They're unreal. I wasn't expecting them to be this, you know. They're kind of like flaky, you know. So they're kind of like flaking off. I'm not the best at it. This kind of looks weird. Look at it. It's not bad. Yeah, that's fine. Is what the donuts look like. This is the finished recipe, you guys. I hope you guys enjoyed this video. If you have any parting words, thank you for sharing this beautiful recipe, easy recipe with us. It was pretty easy. I don't know. Donuts मुझे हमेशा बहुत intimidating लगते हैं. मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होंगे. लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है. I mean, they were a day's job, so it's pretty cool. I think it's good that I didn't tell you what you were making. Otherwise, you would have so I when you said yeast, right? When you Yeah, because she asked मेरी अम्मी को उसने इंग्रेडिएंट्स भेजे थे कंफर्म करने के लिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे पड़े हुए हैं या नहीं और मेरी अम्मी ने कहा था कि यीस्ट लेनी है आई न्यू देयर वाज लाइक यीस्ट सो आई न्यू दैट देयर वाज गोइंग टू बी समथिंग लाइक सिनेमन रोल्स आई आस्क्ड यू व्हाट आई सेड चुरोस एज वेल एंड आई वाज थिंकिंग लाइक मे बी पिज्जा बट आई वाज लाइक नो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी समथिंग स्वीट बिकॉज आई नो यू सो आई वाज लाइक आई डोंट नो क्या होगा बट डोनट्स वर इन माई माइंड एंड देन व्हेन यू लास्ट में आई आस्क्ड हर कि अगर प्री हीट वगैरह कुछ करना है ना तो मुझे बता दो सो लाइक नहीं नहीं कोई प्री हीट नहीं करना था लाइक सो एनी वे थैंक यू सो मच या आई कैन पुट इट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय से बाय बाय पिज़्ज़ा रिएक्शन बट एडम पे दो पर ये स्पॉट दे रख मुझे खुशबू आ रही थी मुझे लगा 3 बजे पकोड़े कौन बना रहे हैं पकोड़े अम्मी को लग रहा था कि मैं मछली बना रही हूँ उसको लग रहा था मैं पकोड़े बना रही हूँ स्मेल अजीब थी बहुत सॉफ्ट है लाइक होममेड है पर मैंने हम होममेड खाए काफी दफा इतने सॉफ्ट नहीं होता हाथ का जादू है बस खाओ एंजॉय कर थैंक यू हम तो सीख ही रही है ना तो खाए दें भाई विटी से है क्या डोनट्स हैं मजे देना लाइक सॉफ्ट है ना लाइक like?